नूरुल हुदा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल मैप को हिंदी में कैसे बुलवाया जाए। जी हाँ, जब हम गूगल मैप को ओपन करते हैं और डायरेक्शन सेट करते हैं तो वो हमें इंग्लिश में बताता है कि आपको कितनी दूर से टर्न लेना है या किधर टर्न लेना है, ये सब कुछ वो इंग्लिश में बताता है। तो उसी इंग्लिश को आज हम हिंदी में करके दिखाएंगे। आप भी अपने मोबाइल में करेंगे तो वो हिंदी में बोलेगा। फिर आपको कहीं जाना हुआ मोटरसाइकिल से या कार से तो वो आपको हिंदी में डायरेक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में जाएंगे और वहाँ पे मैप का आइकन जो होगा, जी हाँ, जो एप्लीकेशन गूगल मैप की होगी उसे हम ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हम ओपन कर लेंगे इस गूगल मैप को। और आइए, सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन सेट करते हैं कहाँ हमें कहीं जाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए होम, हमें घर जाना है यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये होम पे पैदल बता रहा है सवारी से जाना है या बाइक से जाना है हमें। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और गो इट, इस तरह से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने यहाँ पर जो एरो का निशान ऊपर को बना हुआ है यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा Head west on National Highway 128 toward Jay's Bohanganj Road। ये देख रहे हैं आप, इंग्लिश में बोल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो बहुत फास्ट बोल रहा है, इस वजह से भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी को हिंदी में कैसे करें आइए देख लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले यहाँ से हम वापस जाएँगे और डायरेक्शन जो हमने सेट किया था उसे रिमूव कर देंगे। इस सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे, जी हाँ, तीन निशान बने हुए हैं, तीन लाइनें बनी हुई हैं, उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे हमें सेटिंग्स दिखाई देंगी। जी हाँ, सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और फिर ये बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे नेविगेशन सेटिंग्स, जी हाँ, ये आप देख रहे होंगे नेविगेशन सेटिंग, इस पर हम क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ हिंदी में कैसे चेंज करना है वो जानना है। और गाइडेंस वॉल्यूम, यहाँ पे भी ये तीन ऑप्शन है, सॉफ्टर, नॉर्मल और लाउडर। आप अगर बहुत तेज़ सुनना चाहते हैं तो लाउडर पे क्लिक कर दें और सॉफ्टर पे यहाँ पे क्लिक कर दें। हमें इससे मतलब नहीं है, वैसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें वॉइस सेलेक्शन इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसे, ये हमारे सामने फिर कई सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, इसमें हम जो चाहें सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे उर्दू भी है और हिंदी भी है तो हिंदी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इस पर हमने क्लिक कर दिया है, इस तरह से ये अब हिंदी बोलेगा। तो आइए देख लेते हैं इसे कि हिंदी बोलता भी है या नहीं। तो यहाँ पे हम फिर से होम सेट कर देते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड में एरो वाले निशान पर हम क्लिक कर देते हैं। पश्चिम की ओर बढ़िए, ये देखिए अब बोल रहा है पश्चिम की ओर बढ़िए, मतलब जहाँ पे हम हैं वहाँ से हमें पश्चिम की ओर जाना है। तो इस तरह से आप भी अपने गूगल मैप में चेंजिंग कर सकते हैं। फिर आपके भी मतलब फिर आपको भी गूगल मैप देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप लगा दें इसे और सेट कर दें आपको कहाँ जाना है, बस वो आपको वॉइस में बताता रहेगा, यानी हिंदी में आवाज़ से आपको बताता रहेगा। फिर आपको बार बार मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सेट करके मोबाइल एक तरफ रख दें और फिर सुनते हुए चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।